प्रदेश के निजी स्कूल अब फीस वसूली के मामले में दादागिरी करते दिखाई दे रहे हैं। स्कूल संचालकों ने छात्रों के परिजनों को 8 सितंबर तक फीस भरने का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर पालक फीस नहीं भरते हैं तो उनके बच्चों की चल रही ऑनलाइन पढ़ाई को रोकने की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सभी विद्यालयों को पत्र लिखा है। एसोसिएशन की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी भी दी गई है। संघ के सचिव ने कहा है कि लगातार छात्रों के परिजनों से अनुरोध किया गया है, जिसके बाद अभी तक सिर्फ 20 से 30% पालकों ने शुल्क का भुगतान किया है और सत्र प्रारंभ हुए लगभग 5 महीने बीत चुके हैं। ट्यूशन फीस विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार ये आग बढ़ती जा रही है। अब निजी स्कूल संघ ने फरमान जारी कर दिया है कि अगर फीस नहीं पटाया गया तो बच्चों की पढ़ाई रोक दी जाएगी। आखिरकार ये फैसला उनको क्यों लेना पड़ा? ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राजीव गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। आप इतने कड़े फैसले लिए हैं, आप जानते हैं कि इस फैसले से निंदा होगी, क्या मजबूरी थी? हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये जरूर है कि हमने ये फैसला बड़े दुखी मन से लिया है और बहुत सोच समझ के लिया है। दिक्कत ये है कि जो पालक सक्षम है वो भी पैसा देने के लिए सामने नहीं आ रहा है। तो जितने पालक, जैसे हमारा जो आकलन है पूरे प्रदेश का, जो हमारे को अलग अलग स्कूलों से फीड मिल रहा है, वो ये है कि 20% से 30% पालकों की ही पेमेंट आई है। अब स्थिति ये है कि अगर जो इसमें से 20-30 मतलब 10% के आसपास हमारे पास आवेदन भी आए हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हमने उनको समय भी दिया है। लेकिन अब जो करीब 50% के आसपास के जो लोग हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो लोग ना हमारे बार बार नोटिस देने के बाद सामने आ रहे हैं, ना वो कोई कमिटमेंट कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को ये निकालना पड़ा ताकि कम से कम जो 20% 30% बच्चों ने पैसा दिया है उनकी पढ़ाई जारी रखे, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होगा तो हमारे स्कूल स्वतः बंद हो जाएंगे। ये अल्टीमेटम दिए उसके तारीख क्या है, कब तक के लिए निर्धारित? 8 सितंबर तक हमने सारे स्कूलों से कहा है कि आप सारे स्कूलों को, आज लगभग सारे स्कूलों ने अपने अपने स्कूलों में पढ़ने वाले पालकों को नोटिस दे दिया, और 8 सितंबर तक अगर वो फीस देने में अगर वो आनाकानी करते हैं या नहीं देते हैं, या कम से कम वो जवाब नहीं देते हैं कि भाई हम फीस पटा रहे हैं नहीं पटा रहे हैं, तो 8 सितंबर के बाद वो ऑनलाइन क्लासेस सारे स्कूल बंद कर देंगे। सुप्रीम, पालक अगर टीसी निकालने लग गए तो क्या स्थिति हो सकती है? देखिए, हम नहीं चाहते कोई बच्चा हमारे यहाँ से छोड़ के जाए, कम से कम आर्थिक अभाव के कारण छोड़ के जाए, ये कोई भी स्कूल नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते। लेकिन आपको सामने आके ये बताना पड़ेगा कि भाई मेरी आर्थिक स्थिति खराब, अब आप सामने भी नहीं आ रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे, तो ये दिक्कत हम लोग को है। तो अभी आपने राजीव गुप्ता जी का सुना, जिन्होंने उन्होंने साफ साफ कहा है कि पालक फीस नहीं पटा रहे हैं, इसके लिए फीस निकालने के लिए ये फैसला लिया गया है। फिर आज इस फैसला का पुरजोर विरोध हो रहा है। अब देखना होगा कि आगे इस फैसले का कितना नतीजा सामने आता है। कैमरामैन रेखराम के साथ सत्यराज कुश, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। छत्तीसगढ़ के 22 जिलों